यह कहानी है बिहार की एक हॉस्टल में रहने वाली चार स्टूडेंट्स की, विकी, अंकित, एमिको, एमिली। वो एक साथ हॉस्टल में रहते हुए अपने पढ़ाई चलाते थे। जैसे कि कुछ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक होता है और किसी को समुद्र पर जाने का, ऐसे ही इन चारों को एडवेंचर जगहों पर एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ाई के लिए वो कहीं जा नहीं पाते थे। अब इन चारों को अपने ख्वाहिश पूरी करने का एक मौका मिला। भाई एग्जाम तो खत्म हो चुका है, अब कहीं जाने का कोई प्लान है क्या? हाँ, ये कई दिनों से सोच रहा हूँ मैं, लेकिन कहाँ जाना है? अरे भाई, कर्सियांग में गहरा जंगल है ना, वो क्या डाउनहिल फॉरेस्ट नाम का कोई, मैंने यूट्यूब पे देखा है उस जंगल के बारे में, वहीं पे चलना। हाँ, मैंने भी सुना है इस जंगल के बारे में, जैसे कि ये जंगल बेहद ही हॉन्टेड माना जाता है, मगर वहाँ पहुँचने में लगभग 10-12 घंटे लग जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो कल चलते हैं, कल सुबह 8 बजे सब तैयार हो जाना। ओके ये उनका पहला ट्रिप था। वह चारों मिलकर कर्सियांग में स्थित एक गहरे जंगल डाउहिल फॉरेस्ट पर जाने की ट्रिप प्लान की। सुबह होते ही वो चारों सब तैयार हो जाता है। उन चारों को उस जंगल के बारे में जरा तक भी अंदाजा नहीं था कि वो जंगल कितने गहरे हो सकता है। वो बिना ज्यादा सोच समझे उस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। वो इस ट्रिप के लिए इतने उत्सुक थे कि इस जंगल के गहराई के बारे में किसी के साथ बातचीत भी नहीं किए थे। वो ये भी नहीं सोचा था कि उस जंगल में वो कहाँ रोकेंगे, कहाँ रात बिताएंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि वो किस रास्ते पर जाएंगे, इसलिए वो सिर्फ जीपीएस की मदद लिए थे। वो केवल जीपीएस देखकर अपने रूट नेविगेट कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि आगे उन चारों के साथ एक खौफनाक हादसा होने वाला है। Thank you.
वो जीपीएस देख देख के जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। उनको जरा तक भी अंदाजा नहीं था कि वो जंगल की कितने गहराई तक जा रहे थे। अचानक जीपीएस की कुछ इशू होने के दौरान उन्हें जंगल के बीच में ही कार रोकनी पड़ी। भाई ये जीपीएस काम नहीं कर रहा है, अब क्या करूं? अब अंधेरा होने में बस कुछ टाइम बाकी है। वह चारों हैरान हो गए थे। वह जंगल के इतने गहरे में आ चुके थे कि रास्ता भटक गए थे। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस रास्ते से आए हैं। भाई अंधेरा होने से पहले जल्दी आगे जाकर देखना, अगर कोई शेल्टर वगैरह मिल जाए तो। ओके ठीक है, देखता हूँ। भाई सामने देख, एक घर मिल गया है। हाँ भाई चल, जल्दी चल उस घर के पास। हाँ हाँ जल्दी चलो, शाम होने वाला है। वो चारों मिलकर उस घर के और नजदीक जाने के लिए सोचता है।
हेलो, घर पे कोई है? प्लीज एक बार दरवाजा खुलिए ना। हेलो, वो घर के मालिक से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या आप हमें मदद कर सकते हैं? क्या आप सुन पा रही है? हेलो, लगता है यह घर में कोई नहीं रहता है। चलो अंदर जाके देखते हैं। एमिको, वहां पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। वो चारों बहुत खुश थे, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा था कि इस गहरे जंगल में उन्हें यह घर मिल जाएगा। वो चारों मिलकर इस कमरे में रात बिताने का फैसला करता है। ओके, रात 11 बज चुका है, चलो गुड नाइट। कल सुबह उठकर पहले देखना होगा, अगर आसपास कोई मिल जाए तो। ओके चलो गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट एमिको।
अंकित और एमिली दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। विकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। हेलो, कोई है अंदर? वो बेसमेंट के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने के दौरान उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो बेसमेंट के अंदर जाने के लिए सोचता है।
दोस्तों, इन चारों के साथ अब क्या होने वाला है यह हम पार्ट टू में देखेंगे।